नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चंस की मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स याद रखना, प्रत्येक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रखना, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके एग्जाम में आती है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम से यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, या कोई फोर्स का एग्जाम है, फिर कोई बैंक का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जो स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से और 27 फरवरी तक चलने वाली है, जिसके अंदर हर शनिवार को शाम को 7 बजे बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसके अंदर कवांस, जनरल अवेयरनेस, जीएस और रीजनिंग जैसे सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, अभी से आप लोग एनरोल करेंगे। वही फ्रेंड्स 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है रेलवे एनटीपीसी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, जो 27 फरवरी तक चलने वाली, हर शनिवार को सुबह 10 बजे स्पेशल टेस्ट होगा देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसके अंदर फ्रेंड्स क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग जैसे सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। वहीं फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जो 24 फरवरी तक चलने वाली है, 3 सब्जेक्ट के अंदर नो टेस्ट होंगे देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो अभी से आप लोग एनरोल करेंगे, अभी से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर जा रहे हैं तो आप लोग यूज करना मेरा अनलॉक कोड गुरुकुल, इसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप लोग वहां जाकर कोई पेड कोर्स या प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो आप लोग गुरुकुल कोड के माध्यम से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सभी लिंक और मेरा जो प्रोमो कोड है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया, तो अभी से आप लोग एनरोल करेंगे बिल्कुल फ्री में। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो टाइम आपके पास ही बहुत कम होगा, तो कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ करवाने वाले हैं। देखिए, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो बताएंगे किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, केरल राज्य का। सबसे कम किस राज्य का फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये केरल है, याद रखना रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है, ठीक है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था का प्रावधान, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कनाडा, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है पेरियार नदी? तो केरल राज्य में बहती है, यानी फ्रेंड्स ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी, याद रखना। नेक्स्ट है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? आसमान से देखने पर कैसा मालूम पड़ता है? नीला मालूम पड़ता है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर।
हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स डेली है ना, याद रखना आप लोग, गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज करवाई जाती है। तो आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके अंदर जाने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको लिंक मिलेगा वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप लोग ज्वाइन होंगे, वहां डेली क्विज भी करवाई जाती है। देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हेलमेट कप का संबंध किससे? टेनिस से है हेलमेट कप का संबंध, यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं स्टालिन को, ए रहेगा राइट आंसर स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इसने दयानंद सरस्वती ने किया था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994 में की गई थी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। देखिए, बेनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? जी हाँ फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में है बेनिहाल दर्रा, और जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में है केंद्र शासित राज्य। भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश के शासक ने। किसने? गंग वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो याद रखना, मदन मोहन मालवीय से है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो मदन मोहन मालवीय से है। नेक्स्ट है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा पूछा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है बुर्जिल दर्रा। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। देखिए, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड्स? क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। कितना? 1.52 होता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक, यानी सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? राजस्थान का हृदय पूछा किसको कहते हैं, तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट है, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखना, एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1956। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले, यानी ए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो रुद्रप्रयाग से है जी अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी आईडीबीआई बैंक की स्थापना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सिबिलो फ्राफर्ड वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे जल्दी से, ताकि कुछ बच्चे और क्लास में आएं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? देवप्रयाग से है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, देवप्रयाग। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? किसके अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? यूटीआई की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1964 में, 1964 में की गई थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है,
नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो यह है मालदीव मिनिकाय के बीच में, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मालदीव मिनिकाय। नेक्स्ट है, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह है अरुणाचल प्रदेश में, यानी सी होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु व श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारतीय सुशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना 1905 में की गई थी भारतीय सुशासन समिति की स्थापना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? किस प्रयाग से है फ्रेंड्स? विष्णु प्रयाग से है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विष्णु प्रयाग। देखिए नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? तो याद रखना लक्षद्वीप व मिनिकाय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लक्षद्वीप व मिनिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हुआ था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, स्पीड से क्वेश्चन करवा रहे हैं, अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो फ्रेंड्स कर्ण प्रयाग से। फ्रेंड्स ये मोस्ट व्यू क्वेश्चन है, संगम वाले क्वेश्चन है, मोस्ट व्यू क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध है कर्ण प्रयाग से, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये है अंडमान व निकोबार के मध्य, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल काल के किस चित्रकार को पोरो कराफिल कहा जाता था? किस चित्रकार को पोरो कराफिल कहा जाता था? बेहजाद को कहते थे पोरो कराफिल, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नीति दर्रा भारत किस राज्य में? फ्रेंड्स ये दर्रे वाले क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी वाले एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। तो नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है नीति दर्रा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 26 नवंबर। भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। बाहरी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? तो धनात्मक होती हैं जी, बाहरी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? पावर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स की है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन सी अधातु? फास्फोरस अधातु फ्रेंड्स हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, फास्फोरस। नेक्स्ट, यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है यूपीएससी के सदस्यों को वेतन, किससे? संचित निधि से, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक कहा जाता है जी, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है निरपेक्ष शून्य तापमान, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, प्रोटोनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? कार्बन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो फ्रेंड्स 1955 में, 1955 में रखा गया है, याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एयर 320 बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? एयर 320 बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? फ्रांस से, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, फ्रांस, याद रखना आप लोग। मुख्य यमोत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? कितना होता है जी? 0 डिग्री होता है मुख्य यमोत्तर रेखा का देशांतर, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? किससे मिलता है? सतलुज नदी से मिलता है राजस्थान नहर को पानी, यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? तो ओ वर्ग को जानते हैं सार्वजनिक दाता के नाम से, यानी फ्रेंड्स सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी अनान किस देश की है? तो ये घाना की है, कहीं घाना की, तो डी रहेगा राइट आंसर, घाना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो डैग हैमरशोल्ड थे। कौन थे? डैग हैमरशोल्ड थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डैग हैमरशोल्ड। अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स एम्स लोरर प्रथम है, यानी ए इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, एम्स लोरर। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स अमेरिका की खोज? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, यानी ए इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। वैसे भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑसबोर्न समित थे। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना। एक क्वेश्चन और याद रखना, वर्तमान में रेलवे के, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब तक तो थे फ्रेंड्स विनोद कुमार यादव, लेकिन अब विनोद कुमार यादव की जगह पर कौन बन गए हैं? सुनीत कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? सुनीत कुमार बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी? 18 है पुराणों की संख्या फ्रेंड्स, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो मिथेन को कहते हैं मार्स गैस, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1957 में किया गया था, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1957। ठीक है, नेक्स्ट है, उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, बैडमिंटन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है? तो नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, नागपुर। भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा? तो याद रखना टोलमी ने लिखा था। भारत का भूगोल पुस्तक को लिखा था किसने? टोलमी ने। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टोलमी। नेक्स्ट है, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो बहरीन को कहते हैं जी मोतियों का द्वीप, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? कितने देशों के साथ जुड़ी हैं भारत की सीमाएं? 7 देशों के साथ जुड़ी हैं, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। वो 7 देश कौन कौन से, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये अहमदाबाद में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कनाडा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, नांदेड़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखना हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, कहीं हिंद महासागर में, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक, यानी ऑप्शन डी रहेगा जी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2.42। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताएंगे जल्दी किसने की थी फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव की खोज, तो ये की थी एमंड सेन ने, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एमंड सेन। नेक्स्ट है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है जी? कितना होता है फ्रेंड्स फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक? 1.65 होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.65। नेक्स्ट है, ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई? ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई? केपलर के द्वारा की गई, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, केपलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव की खोज पूछा है किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालिकोटा का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 1565। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ख्रोस्टी लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा, यानी फ्रेंड्स डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ख्रोस्टी लिपि। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? तो अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस थी, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का विचार, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा जी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है? 9.46 × 10^12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। नेक्स्ट है,
पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है तो, एन का मतलब न्यूटन, 600 एन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा, कितना होगा, 100 न्यूटन होगा फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर 100 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है, राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था, राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था, जैनुल आबदीन ने किया था, जैनुल आबदीन, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, जैनुल आबदीन। नेक्स्ट है, दाब की विमा क्या है, दाब की विमा क्या है, ML-1 T-2, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुई थी, किसी काल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी राज्य विलय नीति, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है ना, नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, कौन है, बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, बुध। नेक्स्ट, ब्लाइट रोग का संबंध किससे है, किससे, धान से है ब्लाइट रोग का संबंध, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, धान। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, विकासवाद का सिद्धांत दिया था किसने फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन ने किया था फ्रेंड्स विटामिन ए का आविष्कार, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, रात का अंधापन। ठीक है, नेक्स्ट, जल कितने केल्विन पर जमता है, जल कितने केल्विन पर जमता है, तो फ्रेंड्स याद रखना 273 केल्विन पर जमता है जल, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, 273 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, CnH2n+2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है, तो याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध है स्वामी विवेकानंद से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप लोगों फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे डेली क्विज करवाई जाती हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चलो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, जो लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो चलेगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।